हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि बाइक में जो है टीवीएस वालों ने नई अपनी अपाचे आरटीआर 310 को लॉन्च कर दिया है। जी दोस्तों, फाइनली ये बाइक लॉन्च हो चुकी है। अब आज के इस वीडियो में आप लोगों को बाइक के बारे में कम्प्लीट बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी वो आपको बताना चाहूँगा, उसमें जो है प्राइस रिवील इन्होंने नहीं किया था। मैंने लाइव से ही वीडियो उठाया था और आप लोगों के लिए अपलोड किया था। अब दोस्तों फाइनली इसका जो प्राइस है वो भी सामने आ चुका है, तो इस वीडियो में आप लोगों को प्राइस के बारे में भी बताऊंगा और कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में कि कंपनी ने इसका जो क्या प्राइस रखा हुआ है। जी हाँ, क्या प्राइस रखा है कंपनी ने इस बाइक का, ये आप सबसे पहले जान लीजिए। आपको बताना चाहूँगा इसमें कलर ऑप्शन के हिसाब से कंपनी ने जो है प्राइस रखा हुआ है। इसमें अगर प्राइस देखें तो आपको बता दूँ जो ब्लैक कलर का प्राइस है वो रखा गया एनोलो की तरफ से 2,57,990 रुपीज़, 2,57,990 रुपये की ये बाइक आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप येलो कलर में जाते तो येलो कलर आप लोगों को 2,63,990 रुपीज़, 2,63,990 रुपये की वो आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही है अगर आप येलो कलर ऑप्शन में जाते हैं तो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप डायनेमिक किट लेते हैं तो उसके लिए आपको 18,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। अगर आप डायनेमिक प्रो किट लेते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 22,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। साथ में अगर दोस्तों इसमें आप जो ब्लू कलर ऑप्शन है कंपनी ने दिया, अगर आप वो ब्लू कलर लेते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो भैया यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पे करना भी आपको पड़ेगा अगर आपको कुछ मतलब ऑप्शन रखा गया डायनेमिक प्रो या फिर किट अगर आप इसमें लेते हैं तो। बाकी दोस्तों आपने देख ही लिया, ये नेकेड सेगमेंट की बाइक है। कंपनी ने इसका नाम रखा है टीवीएस अपाचे आरटीआर 310। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में कि कंपनी ने इंजन में इसमें क्या काम किया है। देखिए आपको बताना चाहूँगा इंजन टाइप ना लगभग ऑलमोस्ट सेम है जैसा इंजन आपको अपाचे 310 आरआर में मिलता है, सॉरी आरआर 310 में मिलता है, सेम इंजन कंपनी ने यूज़ किया है। इसमें आपको वही 312 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, ये मैक्सिमम पावर में लगभग 35.6 के आसपास का पीएस पावर जनरेट करेगी एंड 28.7 का जो एनएम है वो आपको बाइक में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 28.7 का इंटरमिटेंट टॉर्क। तो देखा जाए दोस्तों बाइक की जो पावर है वो कंपनी ने थोड़ी सी ज़्यादा दी है एज़ कम्पेयर टू आरआर 310। जो पीएस पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये नेकेड सेगमेंट की बाइक है तो 0-100 ये काफ़ी फास्ट चली जाएगी, ऐसा कंपनी का कहना है। बाकी आगे आपको बताऊँगा कि कंपनी ने क्या डेटा दिया है उस चीज़ को लेकर। बाकी दोस्तों बात करें इस बाइक के मोड्स के बारे में, तो पहले आपको बता दूं इस बाइक में पहले आपको नंबर ऑफ 4 मोड्स मिलते थे, अब आपको इसमें नंबर ऑफ 5 मोड्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स, ट्रैक्स एंड सुपर मोटो, अर्बन एंड रोड। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है अर्बन एंड रेन जिसमें आपको 5 मोड्स मिल रहे हैं। इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, बोर साइज़ इसकी 80mm की है, स्ट्रोक साइज 62.1mm की है। बाइक में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा स्लीपर क्लच भी कंपनी ने दिया हुआ है। जी दोस्तों इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच भी मिल रहा है। राइट बाय वायर मिलेगा जिसे हम KTM में राइट बाय वायर कहते हैं, TVS वाले इसे इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, जो कि जो एक्सेलेटर होता है उस पर वायर नहीं होता, वो डायरेक्ट ECU से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे। कंपनी ने यहाँ पे RT स्लीपर क्लच इस बाइक में यूज़ किया है जो कि रेस ट्यून स्लीपर क्लच कहते हैं। मैक्सिमम कंपनी ने कहा है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर हावर है, तो आई थिंक यार मुझे लगता नहीं है कि 150 जाएगी, आई थिंक ये 170 तक चली जाएगी मेरे हिसाब से जितनी पावर दी है कंपनी ने इसमें। कंपनी का कहना है कि 0-60 में इसको 2.81 सेकेंड लगेंगे एंड 0-100 में इस बाइक को लगभग 7.19 सेकेंड लगेंगे। तो 0-100 में तो ड्यूक 390 को हराना आसान बात नहीं है, हालांकि कंपनी की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दी है। तो ये था दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको बहुत ही अच्छा जो इंजन है वो कंपनी ने इसमें दिया हुआ है। बाकी आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करना। अब आते हैं दोस्तों इस बाइक के स्पीडोमीटर में बताना चाहूँगा इस बाइक में कंपनी ने 5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया है। जी हाँ, 5 इंच का TFT डिस्प्ले आपको इस बाइक में देखने को मिलता है जिसमें आपको फीचर बहुत सारे देखने को मिले हैं, बहुत
सारे फीचर आपको मिलेंगे इसमें। आप स्पीडोमीटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं स्पीडोमीटर में, साथ में आप इसमें मोबाइल कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इवन कंपनी ने कहना है कि इससे जो GoPro है अपना वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कंपनी ने कहा है लाइव, मतलब जब ये लाइव कर रहे थे तो उस बारे में। उसके बाद अब आपको बताता हूँ कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूँ ये है पहली बाइक है इंडियन मार्केट में जो इस सेगमेंट में आप लोगों को टायर प्रेशर देती है। जी हाँ, टायर प्रेशर आप पे कंट्रोल आपको मिलेगा, कंट्रोल नहीं यार, टायर प्रेशर मीटर कह सकते हैं। टायर प्रेशर मीटर मतलब आपकी बाइक जो है उसमें कितना हवा है वो आपको देखेगा आपके स्पीडोमीटर में। ये जो फीचर है बड़ी बड़ी BMW बाइकों में आता था, बट कंपनी ने इसमें भी दे दिया है, तो बड़ी बात है यार ये फीचर देना भाई, मतलब दिल जीत लिया इन्होंने TVS वालों ने, ये बहुत बड़ा फीचर है। पता है अच्छी अच्छी कंपनी ये फीचर नहीं दे पाती, कंपनी ने ये चीज़ भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद बताना चाहूँगा दोस्तों आपको बाइक में क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्रूज कंट्रोल भी आपको इस सेगमेंट की पहली बाइक में देखने को मिला है। क्रूज कंट्रोल के अलावा दोस्तों बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिलेगा। उसके बाद यार कितनी बड़ी बात है कंपनी ने इसमें व्हीली कंट्रोल भी यूज दे दिया। जी हाँ, आपको बाइक में व्हीली कंट्रोल भी मिलेगा, साथ में बाइक में आपको कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। जो ट्रैक्शन कंट्रोल नॉर्मल नहीं है, वो कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल है। रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल भी मिलेगा, रियर टायर भी कंट्रोलर है, फर्स्ट व्हीली मतलब स्टॉपिंग कंट्रोल भी है और व्हीली कंट्रोल भी है। साथ में बाइक में आपको जो कॉर्नरिंग ABS है वो भी कंपनी ने दिया हुआ है। फ्रंट में आपको बाइक में फुली LED जो लाइट है दोस्तों आपको बाइक में देखने को मिल रही है। नो डाउट कंपनी ने बाइक की फ्रंट लाइट का डिज़ाइन जो है काफ़ी बेहतरीन दिया है, ठीक है, जिसमें आपको जो DRL लाइट है वो नीचे मिलेंगे और जो मेन लाइट है वो आपको उसे ऊपर देखने को मिल रहा है। फ्रंट में बाइक में आपको KYB के USD यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। जो USD फॉक्स सस्पेंशन है वो आपको बाइक में मिले हैं, तो नो डाउट सस्पेंशन क्वालिटी आपको इसकी काफ़ी बेहतर मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूँगा रियर में आपको KYB के मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल रहा है। फ्रंट में 300 mm की प्लेट है, रियर में 240 mm की प्लेट है। फ्रंट में आपको बाइक में 110/70 के टायर मिलेंगे जो कि आपको पता है रोड 5 टायर है, और रियर में 150/60 के टायर आपको इसमें मिलेंगे। इस बाइक का जो कर्व वेट है दोस्तों वो 169 kg का है। जो सीट हाइट है वो 800 mm + 10 mm मतलब 800 mm नॉर्मल है और 10 mm तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्टेबल तो सीट आपको मिलती है, आप इसके सीट को भी इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस बाइक का कंप्लीट ऑलमोस्ट फीचर्स, पावर, स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो टेल लाइट है वो आपको बाइक में फुली LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है इस बाइक में, तो टेल लाइट का भी डिज़ाइन आपको काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में मिल रहा है। बाकी आप लोग आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी, क्या आप लोगों को लगता है इस बेटर दैन KTM Duke 390, और अगर Duke 390 से बेहतर है तो क्यों है यार, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी यार भाई 5 inch का TFT डिस्प्ले मैंने देखा तो मेरा दिल खुश गया कि कंपनी ने 5 inch का TFT डिस्प्ले दिया, बड़ी बात है यार 5 inch का TFT डिस्प्ले देना इस सेगमेंट में इस प्राइस में। हालांकि कह सकते हैं सब Duke 390 की कॉपीज है, क्योंकि भाई जो पहले लाया वो पहले लाया। देखिए मैं एज अ KTM लवर नहीं कह रहा हूं यार, ठीक है, बाकी वही बात होती है जो पहले लाता है वो तो पहले ही लाता है ना यार। बाकी सारी चीजें बाइक में आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी, मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।